नाउ वी विल टॉक अबाउट डीलिंग विद अदर्स अनएथिकल बिहेवियर इस मौजू पे तो हम बहुत बात कर चुके हैं कि हमें खुद अनएथिकल प्रैक्टिसेस से कैसे बचना चाहिए लेकिन बाज़ात इस तरह की सूरत हाल दरपेश होती है जिसमें कुछ दूसरे लोगों के अनएथिकल बिहेवियर्स हमारे लिए एक चैलेंज बन जाते हैं एंड अराम हाई परसेंटेज ऑफ साइंटिस्ट एंड एडवासूड बाई देयर पियर्स बट मोस्ट ऑफ दैमउट इट बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें साइंटिस्ट और स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि दूसरे लोग कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं लेकिन वो उसके बारे में कभी भी कोई एक्शन नहीं लेते और उसको कहीं पर रिपोर्ट नहीं करते रिलेटिवली फ्यू केसेस ऑफ साइंटिफिक मिसकंडक्ट अल्टीमेटली आर रिपोर्टेड टू द अप्रोप्रिएट एजेंसीज कुछ बहुत कम ऐसे केसेज होते हैं जो किसी भी सिचुएशन की वजह से अप्रोप्रिएट एजेंसीज तक रिपोर्ट होते हैं कि इसमें कोई ऑथेंटिक या अन ऐथिकल जो है वो प्रैक्टिस जो हैं वो की जा रही हैं इवन गुड पीपल बिकम्स समटाइम्स एक्ट अनएकली विदाउट देयर ओन अवेयरनेस ये भी हम समझते हैं कि बाजार अनइंटेंशनली भी इस तरह के एक्ट हो जाते हैं जो अच्छे लोगों से हो जाते हैं उनकी इंटेंशन बुरी नहीं होती लेकिन वो कुछ अन ऐथिकल क्राइम कमिट कर लेते हैं दिट इज ऑल्सो ईजियर टू कंफ्रंट समन हुव एक्टेड विदाउट अवेयरनेस बिकॉज द फीलिंग दैट समथिंग इज गोइंग मोर अबाउट एजुकेटिंग दैम रादर दैन एक्सक्यूज एक्यूजिंग दैम अगर हमें यह सिचुएशन पता हो कि किसी से अन इंटेंशनली कोई मिस्टेक हो गई है उसके साथ बात करना उसे कन्विंस करना कि यह एक्ट ठीक नहीं था तुम्हें इसका कोई कॉलिजेंडम देना चाहिए तुम्हें इसके बारे में कोई बात बतानी चाहिए कि ये कैसे मिस्टेक हो गई इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए आसान होता है रादर दैन की वो इंडिविजल जिसने कोई भी ऐसा एक्ट जो है वो जानबूझ के किया होता है चलाकी से किया होता है स्मार्टली किया होता है और वह नहीं चाहता कि उसके बारे में कोई भी बात करें The display of unethical behavior depends three factors. Number one, the individual's own moral assessment of committing on an un un unethical act. सबसे पहली तो बात ये कि एक individual के खुद कितनी wishful thinking थी कि वो कोई unethical काम कर ले उसके अपनी behavior की intent जो है उसको समझना The benefits that individual expect from acting unethically. Next page stage के ऊपर ये बात आ जाती है कि जिसने कोई unethical uh, act किया उसको क्या पता था कि उसको उससे क्या क्या फ़ायदे हासिल होंगे

कोई ऐसा एक्ट जो कि बाई विचू ऑ ऑफ चांस आपसे होने वाला था तो वहाँ एक अच्छा इंडिविजुअल तो फ़ौरन एथिकली बिहेव करेगा और वो सब कुछ ऐसी चीज़ों को रिवर्स कर लेगा अगर उसे पता चल जाएगा ये अन काम करने से मुझे ये फ़ायदा हो सकता है या मैं पकड़ा जा सकता हूँ या मुझे ये नुकसान हो सकता है मेरी प्रोफेशनल रिप्यूट डैमेज हो सकती है बट इन दिस कैन ओनली भी काम्स अगर वो इंडिविजुअल जो है वो एक एथिकल इंडिविजअल है और वो एथिक्स को समझ कर बिहेव कर रहा है इवन इफ़ एन इंडिविजुअल टॉक्स हिम

लेकिन एक किसी छोटे से टाउन में किसी छोटे से कस्बे में शहर से दूर एक इंडिविजुअल एक साइकोलॉजिस्ट बैठा हुआ है और वो लोगों को मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करके दे रहा है क्योंकि उसे साइकट्रिस्ट जो पाँच सात इंपॉर्टेंट दवाइयाँ देते हैं उसको पता है और वो कह रहे हैं कि जी मैं आपको मेडिसन्स भी लिख के दे सकता हूँ क्योंकि जब तक मैं दवाई नहीं दूंगा नुस्खा नहीं लिख के दूंगा तो मुझे कोई पे कैसे करेगा खाली बातों का तो कोई पे नहीं करेगा और वो वहाँ लोगों को मेडिकल uh, प्रस्क्रिप्शन भी लिख के दे रहा है उसको पता है कि ये अनैथिकल है उसको ये पता है कि इसका रिस्क बहुत ज्यादा हाई है कि इससे लोग डैमेज हो सकते हैं उन्हें नुकसान हो सकता है बट स्टिल इंटेंशनली फॉर द सेक ऑफ बेनिफिट ही दैट वेन एन इंडिविजुअल रैशनलाइजेस नीड टू एग्जीक्यूट एन अनएथिकल एक्ट प्रिडिक्टिंग एडवांटेज फ्रॉम डूइंग सो एंडीव अ लो रिस्क ऑफ बींग डिडक्टेड ऑल दीज फैक्टर्स जनरेट अ स्ट्रॉग इंटेंशन टू कैरी थ्रो जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी इस इंडिविजुअल को ये पता है कि इस गांव या कस्बे में आके किसी ने मुझे नहीं पूछना कि तुम्हारी डिग्री कौन सी है तुम एक साइकोलॉजिस्ट हो तुम जिन भी निकाल रहे हो तुम दवाइयाँ भी दे रहे हो तुम हर तरह की जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ें भी क्लेम कर रहे हो तो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है तो वहाँ पर प्रॉबेबली उसके लिए बहुत आसान है कि वो अपना बिजनेस जो है वो सुकून से बैठ के चलाता रहे क्योंकि तो उसको पता है उसे किसी ने नहीं, नहीं पकड़ना लेकिन दिस इज़ नॉट द केस एक जो एथिकल ऑब्लिकेशन है वो डिट मस्ट बी

टू डील विद अनथिकल बिहेवियर ऑफ अदर्स थ्री टाइप ऑफ इंटरवेंशन कूड भी हेल्पफुल रिमाइंडिंग एम्फेसाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ सब्टल क्यूज एंड इंक्रीज पीपल्स अवेयरनेस ऑफ मॉरल बिहवियर डिक्रीजिंग द एबिलिटी टू जस्टिफाई डिस ऑनेस्टी पहली चीज तो ये कि हमें लोगों को बार बार रिमाइंड कराना चाहिए वट इज राइट एंड वट इज वट साइकोलॉजिस्ट कैन डू वट साइट कैन डू एंड वट एनी अदर पर्सन हु इज इन अलाइड मेंटल हेल्थ डिसिप्लिन कैन परफॉर्म तो जितने ज़्यादा हम बेहतर रिमाइंडर्स देते रहेंगे उससे डिसऑनेस्टी जो है उसके होने के चांसेस कम होंगे देन विजिबिलिटी इट रिफर्स टू द सोशल क्यूज एंड एम्स टू रिस्ट्रिक्ट अनोनिटी प्रोमोट पीयर मॉनिटरिंग एंड एलिसड रिस्पॉन्सिबल नॉर्म्स जितनी ज़्यादा हमें सही चीज़ों की विजिबिलिटी नज़र आएगी हम बेहतर क्यूज डेवलप कर सकेंगे बेहतर नॉर्म्स डेवलप कर सकेंगे यानी हम डिफ्रेंशिएट अगर बेहतर तरीक़ों से चीज़ों को करते हैं और उनकी हमें विजिबिलिटी सोसाइटी में बेहतर नज़र आती है तो वो इन रिटर्न हमारे लिए एक पॉजिटिव जो है वो सिचुएशन क्रिएट करेगी देन सेल्फ एंगेजमेंट इट इंक्रीजेज द मोटिवेशन टू मेंटेन अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज एंड जनरेट पर्सनल कमिटमेंट टू एक्ट मॉरली जैसे हर इंडिविजुअल जो है उसकी अपनी एक सेल्फ एंगेजमेंट होती है सोसाइटी में कम्युनिटी में टुवर्ड्स देयर वर्क वो जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी उतना ज़्यादा आप अपने सेल्फ इमेज को इनहस करने के लिए अच्छे काम करेंगे मॉरली अच्छा बिहेव करेंगे और अपने आप को सोसाइटी के साथ एंगेज रखेंगे रादर देन कि एक डिटाच इंडिविजुअल जो है जिसकी सेल्फ एंगेजमेंट नहीं होती जिसकी कोई विजिबिलिटी नहीं होती तो सोसाइटी में कुछ भी पॉजिटिवली कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता